सो गाइज वेलकम टू वन मोर धास वीडियो। और आज आप जिन्होंने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ SST का सेकंड चैप्टर के बारे में, आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं। तो लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। और मैं आपको पूरी समरी बताऊंगा पूरे चैप्टर की, कीवर्ड्स भी, और लास्ट में थोड़े रिवीजन क्वेश्चंस भी आएंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम फोड़े, हम चलते हैं फोन की स्क्रीन पे। जैसे आप देख सकते हैं मैं फ़ोन पे स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और इसमें आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, मैं जूम कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट। और हम इसका पहला पेज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पैराग्राफ वी विल स्टडी इज दिस पैराग्राफ, द सरफेस इन दिस पैराग्राफ इट्स ऑल अबाउट द अर्थ। पूरा इसके अंदर जो ये सारा अर्थ के बारे में है, जैसे कि द सरफेस ऑफ द अर्थ नेवर रिमेन द सेम। जो धरती की जो परत होती है या ज़मीन होती है वो हमेशा सेम नहीं रहती, ये हमेशा अलग अलग चेंजेस में चली जाती है, अंडरगोज चेंजेस। और ये जो चेंजेस होते हैं ये एकदम से हो जाते हैं या फिर थोड़े दिन बाद हो जाते हैं, जैसे कि इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। और ये सडन चेंजेस जो अर्थ के अंदर होते हैं ये वॉल्केनिक या फिर अर्थ की एक्टिविटीज से भी हो सकते हैं। आप पहला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, इसमें ये लिखा है। और आगे दीज फोर्सेस ब्रिंग रेडिकल चेंजेस एंड आर इजीली विजिबल। ये बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आते हैं और ये आप देख सकते हैं। जैसे अगर भूकंप आएगा तो आपको फील होएगा कि भूकंप आ रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस आर वेरी स्लो, जैसे कि बहुत स्लो होते हैं और वो बहुत देर बाद आते हैं, जैसे कि 10-20 हज़ार साल बाद कोई अर्थक्वेक आया, कोई सुनामी आ गई, बहुत ज़्यादा टाइम बाद जो आती हैं सम चेंजेस, ऐसा भी होता है। और ये बहुत स्लो भी होती हैं, ठीक है। एंड दिस कुड बी ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस सच एज कैरिंग ऑफ सॉइल बाय रेन। जैसे सॉइल से जो जब रेन होती है तो वो सॉइल को ले जाती है रेन वाटर। एंड चेंजिंग द कोर्स ऑफ अ रिवर, विंडिंग कैरी सॉइल पार्टिकल। जब तेज़ हवा चलती है तो जो हवा के जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं ये तो उड़ जाते हैं। इसलिए अब हम सेकेंड पैराग्राफ पे पहुँचते हैं, जो है ये वाला पैराग्राफ। आप देख सकते हैं मैंने जूम कर दिया है, ये वाला पैराग्राफ, ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ है। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। ह्यूमन फैक्टर कैन प्ले एन इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है चेंजिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब हमसे भी, हम समाज फैक्टर होते हैं, इससे भी अर्थ चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, हम ट्रीज कटिंग कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेज एंड रेलवे लाइंस, लार्ज स्केल माइनिंग, बिल्डिंग ऑफ डैम एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत कुछ हम बिल्ड कर रहे हैं, इससे भी जो सरफेस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग ग्रेजुअल चेंजेस अपॉन द अर्थ सरफेस। अब हम पढ़ेंगे कि जो चेंजेस हैं जो उस पर होते हैं अर्थ पे, वो पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हम चलते हैं नया, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सटर्नल प्रोसेस टॉपिक, ठीक है। एक्सटर्नल जो प्रोसेस टॉपिक है अभी हम इसको करेंगे। एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। एनी प्रोसेस वर्किंग ऑन द अर्थ सरफेस एंड ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन इट इज नोन एज एक्सटर्नल प्रोसेस। मतलब कोई भी प्रोसेस जिससे धरती चेंज हो रही है उसको कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। एंड दिस कैन मे बी लोअर द लेवल ऑफ द रैंड बाय वेयरिंग अवे रॉक पार्टिकल्स। जो धरती के नीचे जो पार्टिकल्स साइड में आते हैं इसकी वजह से भी होता है। एंड इट कैन रेज द लेवल ऑफ सॉइल वेयर द सॉइल पार्टिकल आर डिजॉल्व। फिर जहाँ पे ये सॉइल का लेवल ऊपर कर देता है। एक्सटर्नल प्रोसेस ऑल्सो इंक्लूड एन अकाउंट ऑफ विदरिंग एंड ग्रेडेशन। एंड डू यू नो भी पढ़ेंगे, ये देखिए ये डू यू नो है, अब हम इसे पढ़ेंगे। जियोमोर्फोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म। जियोमोर्फोलॉजी ये इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। मतलब ये साइंस है जिसमें स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, मतलब लैंड के बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारा पहला
जो हमारा एक्सटर्नल में जो हमारा पहला चेंज आता है वो है वीदरिंग। द टर्म वीदरिंग रेफर टू द प्रोसेस दैट ब्रेक्स रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल। इट इंक्लूड इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन और डिपोजिशन आपको पता ही होगा। एंड दिस डिस्टिंग्विश्ड एज दे आर एक्सपोज टू ऑल टाइप ऑफ वेदर चेंज। The effect of weathering can also be seen on stone monument and building where pieces of stone get flitted off and iron layering get rusted। जैसे कि आप इन सब के देख सकते, जैसे कभी कभी आयरन रस्ट हो जाता है, और अपने एग्जाम्पल देख ही रहे हैं। अब हम चलते हैं पे नंबर टू पर। एंड पे नंबर टू इज दिस। इसमें सबसे पहले हम डू यू नो पढ़ेंगे। डू यू नो में बता रखा है ग्रेजुएशन मीन द लेवलिंग ऑफ लैंड। ठीक है, एक क्लियर नहीं है इमेज पर, मैं आपको समझा देता हूँ। एंड अग्रेडेशन मीन्स एडिटिंग ऑफ सेडिमेंट्स। ग्रेजुएशन जो आप देख सकते हैं, इसका मीनिंग होता है जो टॉप पे आपको दिख रहा होगा। मैं एकदम जूम कर देता हूँ, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये होता है ये हमारा है, ये लेवल ऑफ लैंड को ना, ग्रेजुएशन मीन लेवलिंग ऑफ लैंड। ठीक है, और अग्रेडेशन मीन्स एडिंग ऑफ सेडिमेंट्स। एंड डिग्रेडेशन मीन्स जो हमने पिछले उसमें पढ़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखिए, हमने जो पिछले वाले में पढ़ा था कि देखो वीदरिंग प्रोसेस में ही ये ड्यूनो आ रखा है। डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकिंग एंड वेयरिंग सेडिमेंट्स अवे। देखो पहले ग्रेडेशन आता है, जो इसका मीनिंग होता है लेवलिंग ऑफ लैंड। इसके दो पार्ट होते हैं, ग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन। एग्रेडेशन में ऐड होता है, डिग्रेडेशन में डिलीट होता है। आप ए और डी से याद कर सकते हैं इसको। अब आ जाते हैं हम इरोजन पे। इरोजन और डिनोटेशन आपको जैसे मैंने बताया था कि ये दोनों सेम ही है। रेफर टू ग्रेजुअल वेयरिंग एंड केयरिंग अवे ऑफ दी पार्टिकल्स, ये भी सबको पता है इनके बारे में। डिपोजिशन, ये भी आप सबको पता है, रेफर टू द लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स विच हैव बीन कैरीड फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, ये भी आप सबको पता है। अब हम आएंगे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। जो हमने ग्रेडेशन पढ़ा टॉप पे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, जो हमने ग्रेडेशन पढ़ा था टॉप पे, इसके अब हम आपको पार्ट्स दिखाएंगे, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ठीक है, एक है रेनिंग वाटर, मैं जूम करता हूँ, ये है रेनिंग वाटर। अब हम ये सब शुरू करेंगे। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। अ रिवर लाइक एनी लिविंग फॉर्म हैव अ लाइफ साइकिल। जो ये जो रेन वाटर होता है, इसमें आप पिक्चर देख सकते हैं, ये मेंडर्स की पिक्चर है। जो ये होते हैं रेन वाटर, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ग्रेडेशन में, क्योंकि जो ये रिवर्स होते हैं, ये माउंटेन एरिया से पानी ले लेते हैं और फिर उसको लो लाइंग एरियाज में डालते हैं, जिससे वो प्लेन बन जाता है। ये आपको कहीं बुक पे नहीं मिलेगा, ये मेरी एक्सटर्नल नॉलेज है। ठीक है, और इसमें यही बताया हुआ है कि कितनी कितनी शेप्स की होती हैं, लाइक दे हैव फीचर्स लाइक आई शेप, वी शेप एंड वाटरफॉल्स। देखो टाइप्स भी आ गए रनिंग वाटर के, एक है आई शेप, एक है वी शेप एंड एक वाटरफॉल्स। ठीक है, और ड्यूरिंग द स्टेज द रिवर इज सेड टू फॉलो थ्रू मेंडर्स। ये देखिए जो आपको डार्क में दिख रहा है, ये है मेंडर्स। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पेज पे। ये पेज आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसमें आप ये देख सकते हैं पिक्चर, ये पिक्चर देखिए, इधर आ रहे शोर लाइन, जो होते हैं शोर, जहाँ से रिवर जुटती है, और ये मेन रिवर आ रही है बीच में से, और ये सेडिमेंट्स है जो वो रेत रूत होती है, और ये है माउथ ऑफ अ रिवर। जो आप पूरा देख सकते हैं, ये है माउथ ऑफ द रिवर, और ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स। यहाँ पे देखिए दो साइड डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स है, और ये जो पूरा ये डेल्टा फॉर्म हो जाता है फिर। ठीक है, बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकम्स लार्ज एंड स्ट्रगलिश एंड गेट डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्रिब्यूटरीज। जैसे आप देख सकते हैं सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो चुका है मेन रिवर को जाने से पहले। और अब हम आते हैं अगला, जो हमारा ग्लेशियर। ग्लेशियर में आप सबको पता ही है, द मास ऑफ अ मूविंग आइस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर। एंड लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस ऑल्सो इरोड लूज पार्टिकल और पार्ट्स ऑफ रॉक। ये भी जैसे रिवर करता है रनिंग वाटर, ये भी सेम ही कार्य करता है। और ह्यूज मास ऑफ आइस विच कवर लार्ज एरिया ऑफ अ कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट ग्लेशियर, लाइक एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड। अदर ग्लेशियर विच ऑक्यूपाई स्मॉल एरिया ओवर द माउंटेन आर कॉल्ड माउंटेन ग्लेशियर, कॉन्टिनेंट ग्लेशियर एंड माउंटेन ग्लेशियर। अब एक और डू यू नो आ चुका है, द स्नो लाइन इज अ
लाइन ऑन द हाई माउंटेन अबव विद द स्नो नेवर मेल्ट्स। ये भी आप समझ गए होंगे कि जो स्नो लाइन जहाँ पे बिल्कुल भी स्नो मेल्ट नहीं होती इसको स्नो लाइन कहते हैं, जो पहाड़ के टॉप पे होती है। अगला आ गया विंड। आप पहले डूइनो पढ़ेंगे। एयर कैन नीदर बी सीन नॉर फेल्ट बाय द स्विफ्ट, मतलब इसको देख नहीं सकते और इसे फेल कर सकते हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है एयर की, और एयर और इसे विंड कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है उसे एयर कहते हैं। विंड इन रीजन वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल एंड मर्ज वेजिटेशन द लैंड इज एक्सपोज्ड टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। जैसे राजस्थान, वहाँ पे बहुत तेज वो आती हैं विंड्स। द लूज रॉक पार्टिकल आर इजली ब्लोन अवे। ओके, ये भी आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट इसके आगे का हम इस सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली राशि वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक।